हेलो एवरीवन, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ की ओर से मैं अब्दुल्ला कंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन में इंडक्शन मोटर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है उसकी स्पीड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, क्या वजह है कि हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली ए कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, सो इट्स समवॉट डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्पीड। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है वो जनरली एक कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर होती है। किस तरह से कि हमने उस स्टेटर को सप्लाई दिया, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, और जो सिंक्रोनस स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पोल और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। करस्पॉन्डिंगली जब लोड हम इंडक्शन मोटर पर डालेंगे तो इस सिंक्रोनस स्पीड के अकॉर्डिंग एंड द लोड के अकॉर्डिंग हमारा रोटर रोटेट करेगा। वो जो स्पीड होती है वो भी क्या होगी, रोटर की कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है ना। तो जनरली जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, तो लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज डन एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड लो इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर। जो इंडक्शन मोटर है जब उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग दिस मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वन शुड नो द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ स्पीड एंड टॉर्क ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड और टॉर्क का फॉर्मूला और भी फॉर्मूले जो हैं इंडक्शन मोटर के, वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पे हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। इनमें इंटरचेंज करके, थोड़ा सा एक्सचेंज करके हम जो इंडक्शन मोटर के जो स्पीड है उसकी डिपेंडेंसी का पता लगाएंगे और इन फैक्टर्स में बदलाव करके हम उसको चेंज करेंगे या कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड का। सिंक्रोनस स्पीड ये NS बराबर 120 F/P। यहाँ पर एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जो स्टेटर में हमने सप्लाई दी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और पी इज़ द नंबर ऑफ पोल जो कि स्टेटर वाइंडिंग में अवेलेबल है, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड जो हैगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो होगी यहाँ पर NS बराबर 120 F/P। तो स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होगी, स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर होगी n बराबर NS1 - S। S क्या है यहाँ पर, स्लिप। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज, टॉर्क का फॉर्मूला ये हम जानते हैं, टी बराबर के इंटू AC2² R2 R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर। वन द रोटर इज एट स्टैंड स्टिल, यानी कि रोटर रुका हुआ है यानी कि स्टार्टिंग कंडीशन में, ठीक है। तो उस केस में स्लिप है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उस केस में स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तो हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी टी बराबर 3/2 πNS इंटू AT² R2 / R2² प्लस X2². अब इस केस में जो E2 है वो रोटर का EMF है स्टैंड स्टिल पे, NS इज द सिंक्रोनस स्पीड, R2 इज द रोटर रेजिस्टेंस एंड X2 इज द रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस। द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज चेंज्ड फ्रॉम बोथ स्टेटर एंड द रोटर साइड। इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो हम स्टेटर और रोटर साइड दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेटर साइड से कंट्रोलिंग का मेथड जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रोटर साइड से कंट्रोलिंग का मेथड किस में केवल इस्तेमाल कर सकते हैं हम, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन केस रोटर जो होता है वो उसका रोटर शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो वहाँ पर हम रोटर की साइड से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड आर फर्दर क्लासिफाइड। अब स्टेटर साइड को इस्तेमाल करते हुए जो क्लासिफिकेशन है किया गया है, V/F कंट्रोल और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, यानी कि वोल्टेज अपन फ्रिक्वेंसी कंट्रोल,
उसके बाद है चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, नंबर ऑफ स्टेटर पोल को चेंज कर करके, कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्ट को चेंज करके, एडिंग रियोस्टेट इन द स्टेटर सर्किट, एडिंग रियोस्टेट या रेजिस्टेंस इन द स्टेटर सर्किट। तो ये चार मेथड जो है स्टेटर साइड से कंट्रोल करने के हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड आर फर्दर क्लासिफाइड एज एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑन रोटर साइड, कैस्केड कंट्रोल मेथड इंजेक्टिंग स्लिप फ्रिक्वेंसी ई एम एफ इन टू रोटर साइड। तो रोटर के जब रोटर साइड से कंट्रोल करेंगे तो उनको भी तीन पार्ट में यहाँ पर क्लासीफाई या कैटेगराइज किया गया, एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑन द रोटर साइड, रोटर की जो वाइंडिंग है उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एड करके, कैस्केड कंट्रोल मेथड, कैस्केड कंट्रोल मेथड में दो इंडक्शन मोटर को एक साथ एक शाफ्ट पर मैकेनिकली कपल करके उनकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, एंड इंजेक्टिंग स्लिप फ्रिक्वेंसी ई एम एफ इन टू रोटर साइड। ठीक है, तो ये आगे हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं स्पीड कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड, स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। उसमें जो पहला है वोल्टेज फ्रिक्वेंसी कंट्रोल और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, वेन एवर थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस विच रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। हम जानते हैं जब भी हम स्टेटर को, स्टेटर वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देंगे, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसकी स्पीड जो होती है, रोटेटिंग स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NS=120F/P। ठीक है, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर EMF इज इंड्यूस्ड बाय इंडक्शन। ठीक है, रोटर में, स्टेटर में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी वजह से हमारा जो रोटर है उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, है ना। और उसकी जो इक्वेशन है जो सेम है उसी तरह से, किसकी तरह से, ट्रांसफॉर्मर की तरह, जिस तरह से प्राइमरी में हम सप्लाई देंगे सेकेंडरी में जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है, उसी तरह से यहाँ पर रोटर में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा। और उसकी इक्वेशन हो सक का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 4.44 KΦTF, है ना। यहाँ पे के जो ट्रांसमिशन रेशियो कॉन्स्टेंट है, एफ फ्रिक्वेंसी है, टी इज़ द नंबर ऑफ टर्न है, और फाइव इज द फ्लक्स है, वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ फ्लक्स है वो आएगी हमारे पास, इसको जब इंटरचेंज करेंगे वो आ जाएगी V/4.44 KT5। बाकी जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो उससे हम लिख सकते हैं फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। ठीक है, जो फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। ठीक है, नाउ इफ वी चेंज फ्रिक्वेंसी, सिंक्रोनस स्पीड चेंजेस, जब अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड भी चेंज होगा, बट विद डिक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी फ्लक्स विल इंक्रीज, है ना। V/F अगर फ्रिक्वेंसी को हम डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो सेचुरेशन है रोटर का वो होगा, और स्टेटर कोर्स जो है उसमें, रोटर और स्टेटर कोर्स में सेचुरेशन होगा, और इसकी वजह से हमारा जो नो लोड करंट है उसका मोटर का वो भी इंक्रीज होगा, है ना। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को हमें कॉन्स्टेंट रखना है। तो फ्लक्स को कॉन्स्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V/F का जो रेशियो है उसको कॉन्स्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली हमें फ्रिक्वेंसी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली हमें वोल्टेज फ्रिक्वेंसी को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। इससे हमारा जो वोल्ट V/F का जो रेशियो है उसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दस बाय वेराइंग वोल्टेज एंड बाय वेराइंग फ्रिक्वेंसी हम जो है इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय V/F मेथड वी हैव टू सप्लाई वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी विच इज इजीली ओपन बाय यूजिंग कन्वर्टर एंड इन्वर्टर सेट। वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी का हमें उसको सप्लाई देनी पड़ेगी, जो इजीली कन्वर्टर इन्वर्टर सेट के द्वारा हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। जब हम जानते हैं एन एस बराबर क्या है, 120F/P, पी क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पोल, यानी कि अगर पी को हम, नंबर ऑफ पोल्स को हम चेंज कर दें तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगी तो करस्पॉन्डिंगली हमारे जो मोटर है उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। और ये जो नंबर ऑफ पोल है इनको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसके भी दो मेथड है। द स्टेटर पोल्स कैन बी चेंज बाय टू मेथड्स, पहला है मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग मेथड,
एंड सेकंड है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड, ठीक है, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग मेथड और पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेथड। ठीक है, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग मेथड में क्या होगा कि जो स्टेटर वाइंडिंग्स हैं उसमें जो हम उनको दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग हम वहाँ पर दो या तीन या मोर देन डेट हम उनको वहाँ अरेंजमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जितने भी अरेंजमेंट है हर अरेंजमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ पोल वहाँ पर जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ पोल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेकंड है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ पोल चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो मेथड है इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हमको पढ़ना नहीं है, बस केवल हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स को इन दो मेथड्स के द्वारा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो मेथड है वो है कंट्रोलिंग सप्लाई वोल्टेज। जो सप्लाई वोल्टेज है जो स्टेटर वाइंडिंग में हम दे रहे हैं इनपुट में, उसको वेरी करके हम जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द रनिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर आर टू अपन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर। ये जो हमारी टॉर्क की क्वेश्चन है ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इन लो स्लिप रीजन एस एक्स इज वेरी स्मॉल, लो स्लिप रीजन यानी कि इन रनिंग कंडीशन एस एक्स की वैल्यू जो है बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू आर, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, सो टॉर्क बिकम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सी टू स्क्वायर अपॉन आर टू। सिंस रोटर रेजिस्टेंस आर इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पर हम रोटर रेजिस्टेंस आर को कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं, स्क्वायरल केज हो या स्लिप रिंग हो, ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ द टॉर्क इज फर्दर रिड्यूस टू टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस ई टू स्क्वायर। वी नो दैट द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस इंटू वी, यानी कि जो टॉर्क डेवलप होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज के। द अबव इक्वेशन क्लियर्स दैट इफ यू डिक्रीज सप्लाई वोल्टेज टॉर्क विल ऑल्सो डिक्रीज, अगर सप्लाई वोल्टेज को हम डिक्रीज करेंगे तो टॉर्क भी डिक्रीज होगा, बट फॉर सप्लाइंग द सेम लोड द टॉर्क मस्ट रिमेन द सेम, यानी कि टॉर्क की वैल्यू हम क्या मान के चलेंगे, कॉन्स्टेंट फॉर सप्लाइंग द सेम लोड। ठीक है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू इंक्रीज द स्लिप, यानी कि ये जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, और वोल्टेज को अगर डिक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बाय मेंटेनिंग द टॉर्क कांस्टेंट अगर हम वोल्टेज को वेरी करते हैं करस्पॉन्डिंगली हमारी स्लिप भी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मोटर है वो एक स्पीड रिड्यूस्ड स्पीड पे रन करेगी। ठीक है, इफ़ यू इंक्रीज द स्लिप एंड इफ द स्लिप इंक्रीजेज द मोटर विल रन एट ए रिड्यूस्ड स्पीड। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो रोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज रेयरली यूज बिकॉज ए स्मॉल चेंज इन स्पीड रिक्वायर्ड लार्ज रिडक्शन इन वोल्टेज, क्योंकि अगर मान लो स्मॉल चेंज करेंगे हम स्पीड में तो उसकी वजह से जो वोल्टेज में रिडक्शन है वो ज़्यादा होगा, एंड हैंस द करंट ड्रोन बाय द मोटर इंक्रीजेज विच कॉजेज ओवर हीटिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर, उसकी वजह से जो करंट ड्रोन होगा वो बढ़ जाएगा और इंडक्शन मोटर में हीटिंग होगी। ठीक है, तो ये रिलायबल मेथड नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एडिंग रियोस्टेट इन द स्टेटर सर्किट, एडिंग रियोस्टेट या एडिंग रेजिस्टेंस इन द स्टेटर सर्किट। तो यहाँ पर सिंपली ये भी एक तरह से देखा जाए तो बाय जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज वो चेंजिंग का मेथड ही है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेटर सर्किट में रियोस्टेट ऐड करेंगे तो जो सप्लाई वोल्टेज का कुछ पार्ट है जो कि रियोस्टेट या रेजिस्टेंस का अक्रॉस कुछ पार्ट वोल्टेज का वो रियोस्टेट का अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो जो स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई वोल्टेज मिलना वाला होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एंड करस्पॉन्डिंगली हमारी जो स्लिप है वो इंक्रीज होगी, एंड देन जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से इसमें भी एक तरह से वोल्टेज को वेरी करके ही हम स्पीड को वेरी करवा रहे हैं। इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर रियोस्टेट एडेड इन द स्टेटर सर्किट ड्यू टू दिस वोल्टेज गेट्स ड्रॉप, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो अब हमारा रियोस्टेट का क्रॉस ड्रॉप हो गया।
In case of three phase induction motor, torque produced is given by T is directly proportional to SV. If you decrease supply voltage, torque will also decrease. अगर supply voltage decrease करेंगे torque भी decrease होगा, लेकिन torque को हम यहाँ पर मान के चलते हैं constant. So जैसे supply voltage को decrease करेंगे तो हमारी ये जो पैरामीटर इसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए क्या होगा, स्लिप को इंक्रीज करना पड़ेगा. स्लिप इंक्रीज होगी तो करस्पॉन्डिंग हमारे इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना. तो ये जो मेथड थे ये स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोलिंग के मेथड थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के. अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड, यानी कि रोटर साइड से जो स्पीड है उसको कंट्रोल कैसे करना है. तो ये जो मेथड है वो किसके केस में इस्तेमाल की जा सकती है, ये मेथड केवल जो है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है ना. तो पहला है इसमें एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑन द रोटर साइड, यानी कि रोटर के सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करना है. इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एडेड ऑन रोटर साइड. तो जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे रोटर साइड में तो देखिए क्या होगा. इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर टी डैच प्रोपोर्शनल टू एस ई टी स्क्वायर आर टोपन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है. द थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट इन लो स्लिप रीजन. तो लो स्लिप रीजन में जब ऑपरेट करती है तो जो हमारा टॉर्क है वो क्या होगा, आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बाय आर टू. नाउ इफ़ वी इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस, यानी कि आर टू जो रोटर का रेजिस्टेंस है आर टू, उसमें हमने क्या करा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया तो आर टू इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जैसे आर टू इंक्रीज होगा तो क्या होगा टॉर्क डिक्रीज होगा. लेकिन हम टॉर्क को क्या मान के चलते हैं यहाँ पर, कॉन्स्टेंट फॉर ए लोड. एक लोड के लिए टॉर्क को हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं. तो जब आर टू डिक्रीज होगा तो इस टर्म को मेंटेन करने के लिए स्लिप को भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा. और स्लिप अगर कम होगी तो हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, रोटर की स्पीड वो है जैसे सॉरी आर टू को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं. आर टू को इंक्रीज़ करेंगे तो इस पूरे टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए स्लिप को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा. और जो स्लिप इंक्रीज़ होगी तो हमारी जो रोटर की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो इस तरह से रोटर साइड से बाय एडिंग रेजिस्टेंस वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक. सेकंड है कैस्केड कंट्रोल मेथड. इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर द टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स आर कनेक्टेड ऑन अ कॉमन शाफ्ट एंड हेंस कॉल्ड कैस्केड मोटर, ठीक है. दो मोटर को हम एक शाफ्ट में एक साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जब मोटर की स्पीड या कॉमन स्पीड दोनों मोटर की वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. दोनों मोटर एक ही स्पीड से रोटेट करेंगे क्योंकि वो उनके जो शाफ्ट है वो एक दूसरे से कपल्ड होंगे, ठीक है. वन मोटर इज कॉल्ड द मेन मोटर, एक मेन मोटर होगी, दूसरे मोटर इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी मोटर, ठीक है. द थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ द मेन मोटर. थ्री फेज सप्लाई जो देंगे वो मेन मोटर को देंगे. एंड द ऑक्सिलरी मोटर इज डिराइव्ड एट ए स्लिप फ्रिक्वेंसी फ्रॉम द स्लिप रिंग ऑफ द मेन मोटर. जो मेन मोटर है उसकी जो स्लिप रिंग है, ठीक है, इसमें जो पहली मोटर है वो स्लिप रिंग मोटर होगी. तो मेन मोटर जो है उसकी स्लिप रिंग सप्लाई से हम दूसरे मोटर को सप्लाई देंगे. लेट एन एस वन बी द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मेन मोटर, एन एस टू बी द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द ऑक्सिलरी मोटर, पी वन बी द नंबर ऑफ पोल ऑफ मेन मोटर, पी टू बी द नंबर ऑफ पोल ऑफ द ऑक्सिलरी मोटर, ठीक है. एफ इज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी और एफ वन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मेन मोटर, ठीक है. यहाँ पर एफ तो क्या हो गई, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गई, और एफ वन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एफ वन बराबर हो गई एस इंटू एफ. एस के यहाँ पर स्लिप ऑफ द मेन मोटर या एस वन इंटू एफ वन बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो एफ वन की वैल्यू जाएगी एस वन इंटू एफ, ठीक है. तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक. एन इज द स्पीड ऑफ द सेट, एन क्या है यहाँ पर, कॉमन स्पीड है पूरे सेट की. एंड इट रिमेन सेम फॉर बोथ द मेन एंड ऑक्सिलरी मोटर एज बोथ द मोटर्स आर माउंटेड ऑन द कॉमन शाफ्ट, ठीक है. एस वन इज द स्लिप ऑफ द मेन मोटर, तो एस वन की वैल्यू क्या जाएगी, एन एस वन माइनस एन. एन एस वन क्या थी, पहले जो मेन मोटर है उसकी सिंक्रोनस स्पीड, एन जो है यहाँ पर कॉमन स्पीड है, तो एन एस वन माइनस एन अपॉन एन एस वन. एफ वन की वैल्यू जाएगी एस वन एफ. द ऑक्सिलरी मोटर इज सप्लाइड विद द सेम फ्रिक्वेंसी एज द मेन मोटर, दैट इज एफ वन बराबर एफ टू. तो एन एस टू की वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पर फर्दर मोर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एस वन इज इक्वल टू एन एस वन माइनस एन अपॉन एन एस वन, वी गेट एन एस टू की जो वैल्यू आएगी हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड की आएगी 120 एफ एन एस वन माइनस एन अपॉन पी टू एन एस वन, ठीक है. नाउ एट नो लोड, नो लोड पर कैसे में आ जाएगी, एन एस एन बराबर 120 एफ एन एस वन माइनस एन अपॉन पी टू एन एस वन. नाउ रीअरेंज द अबोव इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन. जब एन की वैल्यू हम दोनों को रीअरेंज करके फाइंड करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 120 एफ अपॉन पी वन माइनस पी टू, ठीक है. दिस
कैस्केड सेट ऑफ टू मोटर्स विल नाउ रन न्यू स्पीड हैविंग नंबर ऑफ पोल्स पी वन प्लस पी टू इन द अबव मेथड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मेन एंड ऑक्सिलरी मोटर विल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन रिजल्टिंग इन द नंबर ऑफ पोल्स पी वन प्लस पी टू. ठीक है, सच टाइप ऑफ कैस्केडिंग इज कॉल्ड द कम्युलेटिव कैस्केडिंग. ठीक है, सो यहाँ पर जो कैस्केडिंग हो रही है उसमें कैस्केडिंग में हमारे पास कितनी स्पीड अवेलेबल होगी, यहाँ पर फोर डिफरेंट स्पीड हम मिल सकती है. पहली स्पीड जो होगी जब हम मानेंगे कि जब ओनली मेन इंडक्शन मोटर, जब पहली केवल मेन इंडक्शन मोटर काम करेगी तब हमारी स्पीड होगी वो करस्पॉन्डिंगली जिसके होगी नंबर ऑफ पोल पी वन के यानी कि मेन मोटर के. जब केवल ऑक्सिलरी इंडक्शन मोटर वर्क करेगी तो स्पीड जो आएगी वो आएगी करस्पॉन्डिंग टू पी टू. जब दोनों कम्युलेटिव कैस्केडिंग में काम करेंगे तो जो स्पीड आएगी वो आएगी पी वन प्लस पी टू करस्पॉन्डिंगली, और जब दोनों डिफरेंशियल कैस्केडिंग में काम करेंगे तो जो स्पीड आएगी हमारी वो आएगी पी वन माइनस पी टू के करस्पॉन्ड. ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसमें चार स्पीड, चार वेरिएबल स्पीड हम यहाँ पर हमें प्राप्त हो सकती है. ठीक है, तो ये कैस्केडिंग मेथड था. उसके बाद तीसरा, इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी ईएमएफ इनटू रोटर साइड. व्हेन द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज डन बाय एडिंग रेजिस्टेंस इन रोटर सर्किट. जब हम रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे, सम पार्ट ऑफ पावर कॉल्ड द स्लिप पावर इज लॉस्ट एज आई स्क्वायर आर लॉसेज. इसको हम बोलेंगे स्लिप पावर, है ना, क्योंकि हमने किस में कनेक्ट किया है, रोटर की साइड में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, तो स्लिप पावर लॉसेज एज आई स्क्वायर आर लॉस हमारा किस में होगा, रोटर सर्किट में, रोटर के रेजिस्टेंस सर्किट में जो हमने ऐड किए हैं. ठीक है, देयर फॉर द एफिशियंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल. तो इससे जो हमारा एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा अननेसेसरी किसमें जो रोटर है उसमें लॉस्ट हो रहा है. दिस स्लिप पावर लॉस कैन बी रिकवर्ड एंड सप्लाइड बैक टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. तो ये जितनी स्लिप पावर का लॉस हुआ है हम इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट को सप्लाई करके इस एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दिस स्कीम ऑफ रिकवरिंग द पावर इज कॉल्ड स्लिप पावर रिकवरी स्कीम एंड दिस इज डन बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल सोर्स. अभी किस तरह से करेंगे, बाय कनेक्टिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ स्लिप फ्रिक्वेंसी टू द रोटर सर्किट, जिसका ईएमएफ स्लिप फ्रिक्वेंसी का होगा. ठीक है, स्लिप फ्रिक्वेंसी यानी कि जो रोटर में डेवलप फ्रिक्वेंसी. ठीक है ना, तो जो सप्लाई हम रोटर सर्किट में देंगे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, स्लिप फ्रिक्वेंसी होगी. ठीक है, द इंजेक्टेड ई एम एफ कैन ईदर अपोज द रोटर इंड्यूस्ड ई एम एफ और एट द रोटर इंड्यूस्ड ई एम एफ. जो हमने ई एम एफ उसमें दिया है रोटर सर्किट में वो दो फंक्शन करेगा, या तो वो उसका अपोज करेगा जो ऑलरेडी डेवलप्ड है ई एम एफ रोटर सर्किट में, या उसका एड अप करेगा. इफ़ इट इज़ अपोजेज द रोटर इंड्यूस्ड ई एम एफ द टोटल रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड हेंस द स्पीड इज डिक्रीजेज. रोटर रेजिस्टेंस अगर मान लो ये अपोज करेगा तो टोटल रोटर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, एंड इफ़ द इंजेक्टेड ईएमएफ एड, अगर इंजेक्टेड ईएमएफ एड करेगा तो इससे मतलब जो रेजिस्टेंस है मेन रोटर ईएमएफ है द टोटल डिक्रीजेज एंड हेंस द स्पीड इंक्रीजेज. ठीक है ना, तो जो मेन रोटर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारी स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, therefore by injecting the induced emf in the rotor circuit the speed can be easily controlled. तो इस तरह से भी हम स्लिप फ्रिक्वेंसी का इंड्यूस्ड emf हम उसमें इंजेक्ट करके भी जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये जो मेथड थे वो थे स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही. थैंक यू.